देख रहे हैं CN24। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा क्षेत्रीय कार्यशाला गोरखपुर ने रेलवे बस स्टेशन स्थित कार्यशाला परिसर में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर गेट मीटिंग किया। मीटिंग के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन के क्रम में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा क्षेत्रीय कार्यशाला के संयोजक अजय कुमार ने बताया कि आज हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग किया है। हमारे 7 सूत्रीय मांगों का समर्थन भी सभी कर्मचारियों ने किया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 24 नवंबर को रेलवे बस स्टेशन पर आम सभा और 25 नवंबर को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देंगे और केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके क्रम में हम लोग अपना आंदोलन और तेज करेंगे। हमारी मांगे अगर सरकार मान लेती है तो हम अपना कार्यक्रम स्थगित कर देंगे। कार्यक्रम यह गेट मीटिंग किया गया है, 24 तारीख को रेलवे बस स्टेशन पर आम सभा आयोजित की गई, उसको सफल बनाने के लिए 24/11/20 को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर एक धरना का कार्यक्रम किया गया है, उसको सफल बनाने के लिए हम कर्मचारियों को एकजुट कर रहे हैं। इसमें अधिकारी कर्मचारी सभी एकजुट होकर उसमें सहभागिता निभाएंगे, धरने को आम सभा को सफल बनाएंगे, इसीलिए हम लोग ये सभाएं कर रहे हैं। कितनी मांग है? हमारी मांगे 7 सूत्री हैं, आपको पहले भी हम लोग बता दिया गया है कि उसमें 7 सूत्री मांग है। उसमें हमारी मांग जायज़ है, निजीकरण बंद करें, उसी के खिलाफ है। ये जनता के साथ अन्याय है। परिवहन निगम लाखों लोगों को सुरक्षित यात्रा कराता है, उसमें मीडिया बंधुओं को भी हम लोग सुरक्षित यात्रा कराते हैं। जन सेवा है, जनता सेवा हम लोग करते हैं, उसी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन का आयोजन चल रहा है। हमारी मांगे मान ली गई तो हम लोग धरना प्रदर्शन स्थगित कर देंगे, अगर नहीं मानी जाती है तो हम लोग 24 को रेलवे बस स्टेशन पर जनसभा करेंगे, 25 को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर धरना करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार के कानों में जू नहीं जाती है तो हमारे प्रदेश के नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा हम उसको भली भात निभाएंगे, चाहे जो भी कुर्बानियाँ देनी होगी हम लोग देंगे। कार्यशाला में आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ शोषण हो रहा है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे प्रदेश नेतृत्व ने ठेकेदारी प्रथा की मांग की है, बंद करो। ठेकेदारी प्रथा के नाम पर लूटा जा रहा है, ठेकेदारों को पैसा लुटाया जा रहा है, उससे निगम को बहुत क्षति हो रही, हान हो रही है। पुराने हमारे MD साहब का एक निर्देश है कि ITI कर्मचारियों को कार्यशाला में भर्ती करें, उनसे काम लिया जाए, मगर प्रबंधन ये काम नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ भी हमारी मांगे हैं। ये सब बंद होनी चाहिए।